बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। करीब ढाई घंटे चली बैठक में पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे, मंडल कोऑर्डिनेटर मौजूद थे, सभी 75 जिलों के जो प्रभारी हैं वो बैठक में मौजूद थे और बैठक खत्म हो गई है। सभी लोग बाहर निकल रहे हैं। बैठक में संगठन के मुद्दों पर चर्चा हुई, संगठन को मजबूत करने को लेकर तमाम चर्चा हुई है। इसके अलावा लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ से प्रत्याशी गुड्डू जमाली को पूरी ताकत से लड़ाने का फैसला किया गया। रामपुर में भी लोकसभा उपचुनाव होना है लेकिन वहां से पार्टी ने अपना कैंडिडेट तय नहीं किया है। इसके अलावा स्थानीय निकाय चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने प्रभावी और आक्रामक रणनीति से अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। ये भी फैसला किया गया कि अगले 2 महीने में 75,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा जाएगा, यानी इसमें से 50,000 कार्यकर्ता बसपा का कोर वोट बैंक होंगे और बाकी अन्य कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। ढाई घंटे चली बैठक की अध्यक्षता बहन मायावती ने की है और ये निर्देश दिए गए हैं कि आगे आने वाले निकाय चुनावों को प्रभावी तरीके से, जोरदार तरीके से कैंडिडेट तय किए जाएंगे। इसके लिए जो मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनसे सूची मांगी गई है कि वो अपने अपने इलाकों के, अपने अपने वार्ड के तेज सर्रार कार्यकर्ताओं और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनके नाम यहाँ पर प्रदेश मुख्यालय भेजें। कैमरा सिंह हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, अभिति गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।